आरबी क्लासेस स्टडी। पिछले क्लास में हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उससे जुड़े तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज की क्लास सैल और खनिज संपदा के बारे में है। आज हम पढ़ेंगे कि आखिर पृथ्वी के ऊपर सैल का निर्माण किस तरह से हुआ, इसके पीछे कौन कौन से तत्व जिम्मेदार है और खनिज क्या होती है। इन सारी बातों को जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है। अब हम आज की टॉपिक खनिज और सैल के बारे में जानते हैं। आज हमें पढ़ना है सैल और खनिज। सबसे पहले सैल, क्या होता है ये सैल? सैल को बहुत नामों से जाना जाता है, पत्थर, रॉक, पहाड़, चट्टान, ये सारी चीजें सैल के रूप होते हैं। पृथ्वी के ऊपर जो भी वस्तुएं होती हैं, चाहे वो मुलायम हो चाहे वो कठोर हो, सारे पदार्थ सैल कहलाते हैं। सैल का निर्माण खनिजों से हुआ है और खनिजें पृथ्वी पर मैग्मा के द्वारा आती हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि ये पृथ्वी है, मुझे डिजाइन नहीं आता, जैसे वैसे बना दिया है। ये पृथ्वी है, यहाँ पे इसकी परपट्टी है और ये भाग स्थल मंडल कहलाता है, ये भाग मेंटल है और मैग्मा जो होती है यहीं पर है और ये यहीं से आती है। कब आती है? जब स्थल मंडल पर चलने वाले प्लेट्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो वो एक खाली जगह बनाते हैं जहां से ये मैग्मा जो होती है बाहर आती है और वो लावा के रूप में हमारे एनवायरनमेंट से प्रक्रिया करके ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद जो वो रूप लेती है उसे ही सैल कहते हैं। सैल तीन प्रकार के होते हैं, आगरणीय सैल, अवसादी सैल और कायांत्रित सैल, यानी कि आगरणीय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांत्रित चट्टान। इसे इंग्लिश में भी नाम दिया गया है, इसे इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंटरी रॉक और इग्नियस रॉक कहते हैं। अब हम पहले सबसे पहले समझेंगे आगरणीय चट्टानों के बारे में। आखिर ये आगरणीय चट्टान क्या होते हैं? मैग्मा जो मैंने बताया आप लोगों को, इधर से समझिए, ये हमारा मेंटल भाग है, यहां से मैग्मा जो होती है वो बाहर आती है। कब? जब पृथ्वी के प्लेट्स एक दूसरे से टकराते हैं और टकराने के क्रम में वे यहाँ पर जगह बना देते हैं। जगह बनाने के बाद ये मैग्मा जो होती है ये बाहर आती है, बाहर आती है और लावा का रूप ले लेती है। ये लावा का रूप लेते लेते इतनी जल्दी यहाँ के एनवायरनमेंट से प्रक्रिया कर इतनी जल्दी ठंडी हो जाती है कि ये कोई आकृति बनाती है। जो भी आकृति, पहली आकृति, प्रथम सैल जो भी होता है उसे ही हम लोग आगरणीय चट्टान कहते हैं, आगरणीय चट्टान। इसे ही, यानी कि प्रथम सैल जो कोई भी आकृति मैग्मा की, मैग्मा द्वारा बनती है चट्टान पर, भूपरपट्टी पर आने के बाद, उसे हम आगरणीय चट्टान कहते हैं। ये इतनी महीन दानों से बनी रहती है जिसके कारण इसे बेसाल्ट चट्टान भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जानने वाली दो भाग बातें होती हैं। पहला क्वेश्चन में पूछने वाली, पहला क्वेश्चन जो पूछी जाती है वो होती है बेसाल्ट चट्टान किसे कहते हैं? बेसाल्ट चट्टान आगरणीय चट्टान को कहते हैं। और प्रथम सैल किसे कहा जाता है, प्रारंभिक सैल किसे कहा जाता है, तो उसे भी हम आगरणीय चट्टान को कहा जाता है। गाइस पढ़ाता सब कोई है लेकिन यूनिक चीज पकड़िए जो आपके क्वेश्चन में आते हैं, जिसका जवाब आप पढ़े हुए हैं लेकिन आप भूल जाते हैं सडन, इन चीजों को जानिएगा, आपका एग्जामिनेशन क्लियर होना गारंटेड है। अब हम लोग दूसरे चट्टान के बारे में, जिसको अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी, अवसादी नाम से ही पता चलता है कि अवसाद से बना। अवसाद क्या होता है? अवसाद होता है टूटा फूटा, बिखरा, इन सारे चीजों को अवसाद कहा जाता है। तो जब ये आकृति, जब ये लावा आगरणीय चट्टान के रूप ले लेती है तो ये कभी कभी आगे बढ़कर कोई गाढ़ा चीज बनते हुए आगे आ जाती है जिसको हवाएं तोड़ती हैं, तोड़ देती हैं, चकनाचूर कर देती हैं, इधर उधर अवसाद की तरह फेंक देती हैं। अब क्या होता है, फिर कोई हवाएं इसको अपने साथ लेकर
दूर ले जा करके इन्हें इकट्ठा करना शुरू करती है। अब ये इकट्ठा होते 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 अवसादी चट्टानों का रूप ले लेती है। बलुआ पत्थर ये अवसादी चट्टान का ही एक रूप होता है। ये अवसादी चट्टानें जो होती हैं मोटे दानों वाली होती हैं, और बलुआ पत्थर भी मोटे दानों वाला ही होता है, इसलिए बलुआ पत्थर को अवसादी चट्टानों का उदाहरण कहा जाता है, उदाहरण माना जाता है। अब हम आते हैं कायांत्रिक चट्टान पर, जो आगरणे चट्टान होते हैं ये, और अवसादी चट्टान होते हैं, अवसादी चट्टान ये दोनों ही ऊंचे ताप और दाब के कारण पृथ्वी पे जो कंटिन्यू इतनी गर्मी पड़ रही है, दाब है, गुरुत्वाकर्षण बल है, हर एक चीज इस कायांत्रिक चट्टान को प्रभावित करती है, और इन दोनों पे लगातार जो बल पड़ता है उसके कारण ये चट्टान रूपांतरित होकर कायांत्रिक चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक में परिवर्तित हो जाती है। संगमरमर ये क्या होते हैं? ये कायांत्रिक चट्टान के ही उदाहरण होते हैं, जो अधिक ताप दाब के कारण अपनी जो अवस्था है उसको चेंज कर देते हैं, अपनी अवस्था को परिवर्तित कर देते हैं और कायांत्रिक चट्टानों का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार हमने देखा इस क्लास में, इस प्रकार हमने देखा इस सेल के चैप्टर में, इस सेल के पढ़ाई में कि क्या सेल जो होते हैं वो तीन तरह के हुए हैं, आगरणे चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांत्रिक चट्टान, जो खनिजों का ही रूप है। आपको जानकर आश्चर्य होगा गाइस कि हमारे पूरे पृथ्वी पर 110 तत्व पाए जाते हैं, खनिज तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इन तीनों चट्टानों के निर्माण में केवल 8 तत्व की ही भूमिका होती है, यानी कि इन तीनों तत्वों के 98% निर्माण में केवल 3 तत्व ही काम करते हैं, बाकी के तत्व काम नहीं करते। अब हम सेलों के निर्माण को एक चक्र के रूप में भी समझ सकते हैं। चक्र क्या होता है? ये चक्र, सेल चक्र, आप लोगों ने जल चक्र पढ़ा होगा, आप लोगों ने जीवन चक्र पढ़ा होगा, इसी तरह सेल चक्र भी होता है। सेल चक्र होता है पहाड़ों का निर्माण और उसका विनाश, किस तरह से चट्टाने बनती हैं और बिगड़ती हैं और ध्वस्त होकर फिर से नई चट्टानों का जन्म होता है, ये हम सेल चक्र में पढ़ेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि सेल चक्र क्या होता है। देखिए, सेल चक्र सबसे पहले मैंने बताया मेंटल से ज्वालामुखी उद्गार के कारण मैग्मा बाहर आया, जो हमारे इन्वायरमेंट से प्रक्रिया करके लावा का रूप लिया, लावा पिघल कर आगरणे चट्टान में परिवर्तित हो गई। अब ये आगरणे चट्टान को हवाओं ने तोड़ना मरोड़ना शुरू किया और इसको क्या बना दिया? अवसाद बना दिया। उसके बाद अवसाद बनने के बाद पुनः हवाओं ने अवसादों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, एक जगह कहीं भी जाकर वो अवसादों को इकट्ठा 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 करते करते इसको अवसादी चट्टान बना दिया। अब ताप दाब की कमी के कारण पृथ्वी पर इतनी जो ताप है, इतनी दाब है, उसके कारण अब इस अवसादी चट्टानों का रूप कायांत्रित होने लगा, रूपांतरित होने लगा। अब ये रूपांतरित होने के बाद कायांत्रित चट्टानों में बदल गई। अब ये जो ताप और दाब के कारण ये अवसादी चट्टाने जो कायांत्रिक चट्टानों में रूपांतरित हुई, अब यही सेम दाब और ताप इन पे भी लगने लगा, और इन पे लगा तो ये पुनः मैग्मा का रूप ले ली है, वो चलते रहता है। सबसे पहले आगरणे चट्टान, आगरणे चट्टान ने अवसादों को जन्म दिया, अवसाद से अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति हुई, और उसके बाद हम लोग कायांत्रिक चट्टानों के रूप में इन्हें देखते हैं। कायांत्रिक चट्टान पुनः ताप और दाब का प्रकोप सहन नहीं कर पाई और वो क्या बन गई? मैग्मा बन गई, और फिर मैग्मा आगरणे चट्टान को जन्म दिया, आगरणे चट्टान से अवसादी, अवसादी से कायांत्रिक। यही सेल चक्र होता है बेटा, बच्चों यही सेल चक्र होता है जो चलते रहता है। चट्टाने गिरती है, चट्टानों का जन्म होता है, चट्टाने फिर से पुनः अवस्था में अपने आती है, और इन चट्टानों का निर्माण हमेशा खनिज संपदा से होता है। खनिज
जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, सोना, यूरेनियम, ये सारे खनिजों से ही इन सारे चट्टानों का निर्माण होता है, जो कहाँ से निकलते हैं? मेंटल से निकलते हैं। इस चैप्टर से कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहते हैं गाइस, जो अक्सर आपके एग्जामिनेशन में पूछते हैं और आप लोग शायद उसका आंसर नहीं भी दे पाते होंगे। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो होती है, वो मैं चाहती हूँ कि आप लोग लिख लें। अगर आप लोग लिख लेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में वो काफी काम में आएगी। इसलिए गाइस, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज होता है कि विश्व की सबसे गहरी जो खाई है, सबसे गहरी जो गहराई है, गड्ढा जो है, वो कहाँ किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका में। ये मैं लिखवा दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि तेल निकालने के लिए हमारे इंजीनियर अभी पृथ्वी के 6 किलोमीटर गहराई तक जा चुके हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण तत्व आता है, ये कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, जो पहुंचा ही नहीं जा सकता, फिर भी पहुंचने के लिए समुद्र की सतह पर 6,000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। यानी कि अगर हम समुद्र तल की बात करें और पृथ्वी के केंद्र की बात करें, यानी कि देखिए यहाँ हमारा केंद्र हुआ और समुद्र तल यहाँ हुई। अगर यहाँ से हम बात करें तो यहाँ से अगर हमें यहाँ तक पहुंचना है तो 6,000 किलोमीटर की गहराई तक हमें जानी होगी, खुदाई करनी होगी, तब हम लोग जा सकते हैं, जो कि असंभव है। इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक आता है, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज आता है कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% यानी 1% हिस्सा ही पर्पटी है। आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि हम लोग जहाँ रहते हैं वो मात्र 1% ही है। पृथ्वी का आयतन का केवल 1% भाग में हमारा जीवन पनपता है, हमारा जीवन रहता है, मात्र 1% हिस्से में। ये आश्चर्यजनक बातें होती हैं। बस आज के क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम पृथ्वी के बारे में कुछ और जानकारियां लेकर आएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बेल बजाना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा दिया गया हर एक वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू। जय।